राज्यपाल मनोज सिन्हा कहते हैं कि हमने एक नई व्यवस्था लाई है जिसके माध्यम से जो बिजली का इस्तेमाल है इस प्रकार होगा कि पारदर्शिता हर तरीके से होगी और जो कर्ज में जम्मू कश्मीर है उससे भी कुछ ना कुछ मुक्ति मिलेगी। लेकिन चैम्बर की तरफ से आज कुछ सवाल जो है स्मार्ट मीटर्स को लेकर खड़े किए गए। अरुण जी मेरे साथ है, अरुण जी आशंका क्या है, क्या डर सता रहा है? देखिए आशंका ये है कि लोग परेशान हैं और गवर्नमेंट चुप है। आशंका ये है कि डिजिटल मीटर जो हैं वो सही काम नहीं कर रहे थे, जहाँ स्मार्ट सीटर जो मीटर जो हैं वो स्मार्टली अपना जो रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि अगर डिजिटल मीटर जो गवर्नमेंट ने लोगों को कहा कि ये डिजिटल मीटर आपको लगाने पड़ेंगे, जो पहले एक्चुअल मीटर होते थे उसमें कहीं ना कहीं जो अपनी मिली भगत से कुछ ना कुछ हो सकता था वो ठीक है। डिजिटल मीटर जो हैं उसके ऊपर कोई छेड़खानी नहीं हो सकती थी, उसको कोई टच नहीं कर सकता था और वो घरों के अंदर लगे थे। आज जो स्मार्ट मीटर हैं वो पोल के ऊपर लगे हैं। अब पोल के ऊपर लगने के बाद ना तो कोई वहाँ से जा कर के रीडिंग चेक कर सकता है, ना ये देख सकता है कि मैंने डे में एक दिन में कितनी जो है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की है। और उसके बाद जो बिल आ रहे हैं, जो डिजिटल मीटर में 500 बिल आता था और इसमें स्मार्ट मीटर में किसी का 2500 आ रहा है, किसी का 2200 आ रहा है, तो ये लोगों की परेशानी है। और लोग अपने बिल जो हैं वो सामने रख रहे हैं कि इतना बिल हमारा क्यों आ रहा है, उसके ऊपर तो गवर्नमेंट को जवाब देना है। मुझे नहीं लगता है कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर जवाब नहीं देना चाहिए, बल्कि मैं तो यही कहूँगा कि गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर अपना जवाब भी दे और एक इंक्वायरी जो है कमेटी बनाए जिसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी इन्वॉल्व करे ताकि पता चले कि यह प्रॉब्लम कहाँ है। लेकिन प्रशासन यहाँ पर कह रहा है कि जो बिजली की चोरी होती थी उसको बचाने के लिए हमने स्मार्ट मीटर, देखिए अगर डिजिटल मीटर में भी अगर चोरी थी मुझे नहीं लगता है कि डिजिटल मीटर को कोई हिला भी सकता था। उसमें ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम था, कोई उसको टच नहीं कर सकता था। और आज अगर इनको लग रहा है कि स्मार्ट मीटर जो हैं यही जो है एक्चुअल में अगर यही है तो घरों के अंदर क्यों नहीं लगाए जा रहे, क्यों लगाए जा रहे हैं पोल के ऊपर जिस तरह से पहले घरों के अंदर लगते थे, पहले वैसे ही घरों के अंदर लगाए जा रहे। व्यवसाय उस प्रकार का नहीं चल पा रहा और व्यापारी वर्ग को कितनी चिंता सता रही क्योंकि बिल जो है काफ़ी ज़्यादा है। देखिए मैं यही तो कह रहा हूँ कि जब दुकानदार ने जब डिजिटल मीटर लगाए थे तो उसमें सीधी बात थी कि डिजिटल मीटर लगे हैं, यहाँ छेड़खानी नहीं हो सकती, कोई मीटर रीडर आकर के यहाँ गड़बड़ नहीं कर सकता, जो कंज्यूमर है इसमें कोई गड़बड़ नहीं कर सकता, फिर कहाँ परेशानी। अब अगर डिजिटल मीटर से हम लोग आगे स्मार्ट मीटर पे, तो वो तो पहली बात तो ये है कि वो दुकानों के अंदर घरों के अंदर वो लगने चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि मैंने रोज़ के रोज़ कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की है और मैंने कितना बिल पे करना है। यहाँ इस तरह की कोई है ही नहीं। पर ये व्यापारी की बात नहीं है, जम्मू के हर सड़क चौराहे पर हम प्रदर्शन देख रहे हैं स्मार्ट मीटर्स को लेकर, तो चैम्बर लगातार हर एक मुद्दे पर मुखर रहा है, तो आने वाले समय में किस तरह का बड़ा कदम उठाएंगे? क्या जम्मू बंद की कॉल दे रहे हैं? हमने जो भी कदम आज तक उठाया है, हम अपने लोगों को बुला करके एसोसिएशन के साथ मीटिंग करके अपने मेम्बर्स के साथ सीटिंग करके हम लोग कोई भी एक्शन प्लान जो है वो बनाते हैं और इस बार भी हमारा वही रहेगा। मैंने पहले भी एक स्टेटमेंट जो है इस स्मार्ट मीटर के ऊपर दिया था, आज फिर मेरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो सीधा एक इंडिकेशन है कि चैम्बर जो है इन इश्यूज के ऊपर खामोश नहीं बैठ सकता। हम लोग किसी के विरोध में नहीं हैं, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि जो आज पोल के ऊपर मीटर लग रहे हैं वो क्यों लगाने की ज़रूरत पड़ गई, जो डिजिटल मीटर हैं उसमें क्या खामी थी और जो स्मार्ट मीटर हैं उसमें क्या ऐसा सिस्टम है कि जिससे बिल जो हैं वो लोगों के बढ़ते जा रहे हैं, तो ये जवाब तो गवर्नमेंट को देना। देखिए साफ तौर पर जवाब जो है वो प्रशासन को देना पड़ेगा और जवाब इस प्रकार देना पड़ेगा कि आम लोग काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना कर रहे हैं और आम लोग जो है इस समय परेशानी का इस प्रकार सामना कर रहे हैं कि बिल जो है काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, आर्थिक तंगी से हर एक व्यक्ति जूझ रहा है और कोरोना काल के बाद हर एक व्यक्ति की आर्थिक रूप से कमर टूट गई है, लेकिन उसके बाद इस तरह से एक बड़ा बोझ अगर आप लादते हैं आम इंसान पर, आम नागरिक पर, तो सवाल उठाना लाजमी है। आप ये हमारे साथ देखते हैं।